नमस्कार, मैं हूं अविनाश पांडे और आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। गोपालगंज में 3 हत्याएं हुई हैं गोली मारकर। आरजेडी नेता पर गोलीबारी की गई है, अंधाधुन फायरिंग की गई है, जिसमें आरजेडी नेता जेपी यादव के माँ पिता और एक अन्य की मौत हो गई है, जबकि जेपी यादव घायल है और उनका इलाज चल रहा है। और इस घटना पर आरजेडी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए एक ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, प्रतिदिन 5 घंटे चुनावी तैयारियों के मध्य यदि कुछ समय मिले तो कृपया सूबे की विधि व्यवस्था पर भी गौर फरमाइएगा। आपका विधायक इस मामले में संलिप्त है। कल रात गोपालगंज में हुए निर्मम हत्याकांड में कठोर से कठोर कार्रवाई अपेक्षित है। तो ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की मांग है और उन्होंने तंज भी कसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, अगर आप चुनाव की तैयारियों में बहुत व्यस्त हैं तो कुछ समय निकालिए और बिहार के बिगड़ते हुए विधि व्यवस्था पर भी ध्यान दीजिए। गोपालगंज में देर रात अंधाधुंध फायरिंग हुई है, हत्याकांड हुआ है जिसमें 3 की मौत हुई है और 1 घायल हो गए हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने यह लिखा है कि आपके ही विधायक इस मामले में संलिप्त हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई कीजिए। इसके लिए वो मांग भी करते हैं और ये अपेक्षित है, अर्थात वो ऐसा मानते हैं कि इसमें ऐसी ही कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आने वाले समय में कोई इस तरीके से कार्य न कर पाए, कोई ऐसी घटनाएं न घटे। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी नेता जेपी यादव जा रहे थे और इस दौरान उनके और उनके परिवार पर 2 बाइक पर सवार 5 अपराधियों ने अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें जेपी यादव के माँ और पिता की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 जो भाई थे जिनको रेफर किया गया था वो गोरखपुर में, आज सुबह 1 की मौत हो गई है जबकि 1 जेपी यादव और खुद घायल हैं वो, तो उनका इलाज चल रहा है। इस दौरान जेपी यादव ने सीधे तौर पर ये आरोप लगाया है कि इसमें आरजेडी के विधायक पप्पू पांडे का हाथ है और वही तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी है। तो सीधे तौर पर मांग कर दी गई है तेजस्वी यादव द्वारा कि इस मामले में जल्द से जल्द और कठोर कार्रवाई की जाए। इसके साथ साथ तेजस्वी यादव ने तंज कसा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी तैयारियों में लगे हुए हैं और इस बीच उन्होंने मांग की है कि आप समय निकालिए और जो बिहार की विधि व्यवस्था गड़बड़ हो रही है उसको सही रास्ते पर लाइए, पटरी पर लाइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये खबर अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ खूब शेयर कीजिएगा, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी दबाइए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार।